मैं लाइट की प्रॉब्लम की समस्या को आपके जीवन से जाते हुए देख रहा हूं। इस बहन का नाम रणदीप है और जे मकबूलपुरे के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बता रहे कि इनके जॉइंट फैमिली है और 5 साल हो गए थे कि इनके घर में सिर्फ 5 साल हो गए थे कि इनके घर में जो बिजली का मीटर था वो नहीं था लगा, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही मीटर था। और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा बिल आ गया, जो 65,000 रुपया बिल था, पर इनसे दिया नहीं गया, जिसके कारण जो मीटर था 5 साल से अभी नहीं था लगा और जे काफ़ी परेशान थे। और जे बता रहे कि किस इनके जो पड़ोसी थे वो इनको लाइट दे रहे थे और जे बहुत परेशान थे, क्योंकि जे बताते कि लाइट भी बहुत कम आती थी, जिसके कारण इनके जो पंखे थे वो भी बहुत हवा भी बहुत कम आती थी और जो बल्ब थे उनकी भी लाइट्स बहुत कम होती थी। और जे 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे और जे बता रहे कि जो 65,000 रुपया था उसको भी जुर्माना लगकर आज 1,00,000 रुपया हो गया था और इनसे दिया नहीं गया और जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे जी बहन ने बताया कि जिस 7 अक्टूबर पिछले साल 2021 की मीटिंग में आए और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आया था कि जिनके घरों में बिजली की प्रॉब्लम है वो आज आज़ाद होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आज़ाद हो जाऊं, मैं लाइट की प्रॉब्लम की समस्या को आपके जीवन से जाते हुए देख रहा हूं। जो लाइट की बिजली की प्रॉब्लम से कुछ लोग परेशान हैं अपनी बिजली की प्रॉब्लम से, मैंने कहा लाइट की है, खुदावंत का आत्मा मुझे दिखा रहा और बता रहा है कुछ लोग लाइट की अपनी बिजली की प्रॉब्लम से परेशान हैं, मगर वो गवाही से आएंगे। मैंने कहा वो गवाही से आएंगे। आप जो कोई भी हो, आप में से जो ऑनलाइन जो जहां पे रिसीव करो, मैंने कहा रिसीव करो, ऐसा होने वाला यीशु मसीह के नाम से। और ये बता रहे कि जैसे उन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, जो प्रार्थना में बने रहे और धन्यवाद देते रहे। और इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने पहले इनका जो 1,00,000 बिल था वो भी माफ हो गया और जो उससे इन्होंने बताया कि 1,100 बकाया बचता था और इन्होंने बताया कि वो 1,100 इन्होंने बकाया देकर 1,470 रुपये इन्होंने बताया कि हमने पिछले दिन ही स्कॉटी तारी और अभी परमेश्वर ने इन्होंने बताया कि जो इनके घर में मीटर नहीं था अभी परमेश्वर ने इनके घर में बिजली के मीटर को लगा दिया है। और सिर्फ एक ही नहीं, अभी जो इनके जॉइंट फैमिली 4 फैमिली इनके घर में रहते हैं सबको अलग अलग मीटर दिया है और जो उनके लिए भी प्रार्थना करते थे और बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि नहीं तो हम कुछ भी नहीं थे अगर आज हम परमेश्वर के सच्चाई में ना होते, जब परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में ना होता तो हो सकता था कि आज तक भी हम इतना बिल जहाँ हमारे घर में रोशनी ना होती, पर जब परमेश्वर की दया है कि आज जो बहुत खुश है कि 5 साल बाद आज इनके घर में अपना मीटर लग गया है। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसे इस गवाही के लिए। तारीफ करो ऊंचा ऊंचा। हम जानते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, जानते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, जानते ने तूफान जदो यीशु बोलदा। आमेन। रुको रुको, मैं एक चीज आपने एक चीज नोट की इस गवाही से, मैंने की कितनी अक्टूबर, कितनी डेट थी अक्टूबर के महीने की, 2021 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2021 अक्टूबर। अभी कौन सा महीना है, अप्रैल शुरू है, कितने महीने हो गए, कितने हो गए लगाओ, कितने हो गए, 6 महीने। सुनो एक चीज, ऐसे अगर आप बुद्धिमान हो तो कई लोगों की बात जब परमेश्वर बोलता है ना तो वो विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे, बोले क्या है? कुछ लोग अगर उन्हें परमेश्वर के कानून का पता नहीं है तो वो रिसीव करेंगे, विश्वास करेंगे 2-4 दिन, 10 महीना, 15 दिन, तो धीरे धीरे क्या वो भूल जाएंगे, पर जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेगा, वो धन्यवाद देता ही रहेगा।
अगर परमेश्वर तूने ये बात अपने दास के मुंह से तूने मेरे लिए बोली है, तो वो रोज अपनी प्रार्थना में बोलेगा और धन्यवाद करेगा। क्या करेगा? वो धन्यवाद करेंगे कि यस परमेश्वर, अगर तूने कहा तो ये मेरे लिए ले। देखो रिजल्ट आना है, हर एक का आना है, पर जो इंसान उस फेथ में उस बात में बना हुआ है और धन्यवाद दे रहा है, क्या दे रहा है? जो परमेश्वर को वो इंसान धन्यवाद दे रहा है रोज, यस परमेश्वर ये तूने, क्योंकि नेचुरली है ये अपनी प्रार्थना में इस बात को याद रखते होंगे। क्यों जी रखते थे? हाँ हाँ जी। ओ तारीफ करो पहले। हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हाँ कई लोग भूल जाते हैं। हाँ दो चार दिन अगर रिसीव किया, कई तो भूल ही जाते हैं, दो दिन याद रहता, बाद में याद भी नहीं रहते मैंने क्या रिसीव किया। अगर आप बुद्धिमान हो, समझदार हो, जो परमेश्वर जब भी किसी चीज के लिए आपके लिए बोले, लिख कर रखो, मीटिंग को टाइम डेट सन सब कुछ नोट करके रखो, क्योंकि वो होना है। बोलो क्या है वो चीज? है वो होनी है। बोलो क्या होनी है? जैसे आज इनकी इनके जीवन में हुई। हाँ पहले एक मीटर था, ज्वाइंट फैमिली थी, हाँ एक ही घर में चार, हाँ फैमिली घर कारण एक ही मीटर। आप देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा हाँ इनके लिए काम किया, चारों के अलग अलग मीटर हैं। और पैसे कितने लगे? 1100 कुछ बिल, 1,00,000 से कितना माफ हो गया, और कितना था? 1100 बकाया रह गया था। 1,00,000 से सिर्फ 1100 रुपया इन्होंने पे किया, उसके बाद सिक्योरिटी दी कितनी? 1470 बस। बोलो क्या है? और सबके अलग अलग मीटर लग गए। ये काम किसने किया है? ये छोटी बात नहीं। बोलो क्या है? ये छोटी बात नहीं है कि और सबके अलग अलग, क्योंकि ये इन्होंने याद रखा मन में ऐसे। समझ आ रही मेरी गल? मैं क्या कह रहा हूं? और ये कब कब ऐसे होता है? जब कोई इंसान परमेश्वर की बात को भूलता नहीं। बोलो क्या है? जो इंसान परमेश्वर की बात को भूलता, कई लोग भूल जाते हैं। मैं कईयों को देखा, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और वो लिख कर रखते हैं। हाँ या जहां पढ़े नहीं है तो फिर याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे यार। तो देखो अगर इन्होंने ऐसा किया तो आज आपके सामने है वो सारा बोझ, सारा बर्डन। हाँ क्योंकि बिजली लाइट के बिना, बोलो क्या है, इंसान का आज गुजारा नहीं है। ये पहले वाला जमाना नहीं है। हाँ बोलो, कुछ समय लाइट चले जाए ना तो ऐसे सुना सुना लगने लगता है सब कुछ, लगता है ना? क्योंकि लाइट के बिना आज दुनिया क्या है? हाँ क्योंकि जमाना ही ऐसा आ गया ना। तो आज किसने इनकी घटी को पूरा किया? किसने किया है? किसने किया? अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम है तो रिसीव करो इस गवाही को। मैंने कहा अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम है बिजली की, मीटर की, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा बिल है, जहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, रिसीव करो। मैंने कहा रिसीव करो, आपके साथ भी ऐसा होने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा रिसीव करो, आपके साथ भी ऐसे होने वाला। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। मत चुप चाप खड़े रहो, खुदा की नाराज के काम देखो।